हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक कोर्स में जो आता है सिंपल कमीज अस्तर वाली कटिंग किस तरह करें, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अस्तर पे किस तरह से कटिंग होती है, फिर कपड़े पे किस तरह से कटिंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नाप है। लेंथ है 44, चेस्ट है 38.5 इंच, कमर है 32.5, हिप है 39.5 इंच, और जो इसकी स्लीव्स है 17 इंच लंबाई है स्लीव्स की, और मोरी 11 इंच है। शोल्डर हमारे 14.5, और सामने का तीरा है जो 11.5 इंच है। फ्रंट का गला 7.5, बैक का गला 9.5 इंच है। और ये हमारा अस्तर है दोस्तों, ये अस्तर है। पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये हमारा इस तरह का सूट है, ये देखिए। पहले हम अस्तर पर कटिंग करके आपको बताएंगे, फिर कपड़े पे किस तरह से कटिंग करना है वो हम आपको बताएंगे। इसको अभी हटा देते हैं दोस्तों। 44 लंबाई के लिए कम से कम 2.25 मीटर लाइनिंग चाहिए होती है अस्तर जो लगाते हैं हम। तो ये हमने 2.25 मीटर अस्तर लिया है, ये देखिए। और ये हमने डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है, इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। उसके बाद एक और तय की लगा लेंगे, फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाती है अस्तर वाली कमीज। इसको प्रेस से थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये देखिए, हमने प्रेस कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों नीचे की साइड निशान लाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए, एक और एक डेढ़ इंच का करीब मार्जिन लगाएंगे, 1.5 इंच का लाइनिंग फोल्ड करने के लिए। इसको नीचे से पहले कटिंग कर देंगे सीधा करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फिनिशिंग से कटिंग कर लिया है। हमने नीचे मार्जिन रख दिया है करीब 1.5 इंच। अब हम सबसे पहले लेंथ का नाप लेंगे। कपड़े से अस्तर थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, 1.5 इंच। तो ये हमने 43 इंच लिया है इसका। कमीज की लेंथ जो रहेगी वो 44 रहेगी। तैयार। अब हम सबसे पहले एक ऊपर निशान लाएंगे शोल्डर का, ये देखिए, और एक निशान लाएंगे मार्मोल का जो 6.5 इंच पे रहता है करीब 38-40 साइज तक 6.5 इंच पे ही निशान लगता है। 42 साइज पे आर्मोल का निशान 7 इंच से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम 6.5 पे ही लगाएंगे। कमर का निशान इसका 15 इंच पे लगाएंगे। जो हमारे स्लिट खुलेंगे इसके वो 21 इंच पे खुलेंगे, तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 21.5 पे निशान लगाएंगे। हम स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि हमारे 14.5 इंच है। तो इसमें करीब हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि बैक गला 9 इंच है। जब डीप गला होता है तो माइनस करते हैं शोल्डर, और अगर बॉटनेक गला होता है तो उसमें माइनस नहीं करते हैं, जितना शोल्डर होता है उतना ही रखते हैं, और अगर आपका कॉलर वाला है तो उसमें प्लस करते हैं। तो इसमें हम 2.5 इंच करीब माइनस करेंगे, तो 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 12 का आधा 6 इंच होता है, 6 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, और ब्रॉड रहेगा हमारा 6 इंच, तो हम इसका 3 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे फ्रंट का जो सामना शोल्डर रहेगा तीरा, वो 11.5 पे रहेगा। 11.5 का आधा 6.5 होता है, 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 38, इसमें हम कम से कम 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 41
41.5 इंच हो जाएगा, उसको 4 में डिवाइड करके निशान लाएंगे तो ये हमारा आएगा 10.5 इंच में, एक पॉइंट कम, तो यहाँ पे निशान लाएंगे। वेस्ट है हमारी 32.5, तो इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग, तो ये हमारा हो गया 35.5 इंच। 35 को 4 में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 9.25 इंच, तो यहाँ 9.25 पे निशान लाएंगे कमर पे। हिप है हमारी 39.5, तो इसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42.5 इंच हो जाएगा, तो इसको भी 4 में डिवाइड करेंगे निशान लाएंगे। घेरा जो होता है दोस्तों वो आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, तो हम इसको 22 इंच घेरा रख देंगे नीचे से, 22 का आधा 11 इंच होता है, तो 11 पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये फिटिंग के हमारे सारे निशान लग चुके हैं, शोल्डर का, तीरे का, चेस्ट, कमर, हिप का। अब हम इसको शेपर पट्टी से शेप देंगे इस तरह से, ऊपर की साइड स्केल को इस तरह से रखेंगे, नीचे की साइड हिप की साइड इस तरह से स्केल घुमा कर रखेंगे, और नीचे घेरे का जो होता है इसको दूसरे कम शेप वाली पट्टी से नीचे की शेप देंगे घेरे की इस तरह से। आपको जितना भी मार्जिन रखना है 2.5-3 इंच आप यहाँ पर बढ़ाकर रख सकते हैं लूजिंग के लिए। ये हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, 2-2 इंच का, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक निशान ऊपर वाले शोल्डर के नीचे से इस तरह से मिलाना है, और कंधी कम से कम 1/2 इंच डाउन करनी है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से इसकी बाजू स्लीव जो चढ़ेगी वो कम से कम 8 इंच पे चढ़ेगी, तो इसका 7.5 इंच आर्मोल आना ज़रूरी है, तो ये 7.5 आ रहा है परफेक्ट, तो हम इसकी गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा आर्मोल का भी हो चुका है, अब हम इसको निशान पे कटिंग कर लेंगे। बैक का जो तीरा होता है दोस्तों वो करीब 1/4 इंच बढ़ के कटता है इस तरह से। ये देखिए इस चीज़ का ध्यान रखें, डबल हमने बिछा रखा है फ्रंट और बैक दोनों, तो इसलिए पहले इस वाले निशान पे कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाला तीरा कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे, ये देखिए पहले इस बाहर वाले निशान पे कटिंग करना है, बैक के तीरे, बैक का जो तीरा बढ़ती करता है उस पर कटिंग करेंगे। नीचे के साइड कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, ये ब्रॉड का भी कट लगा लेंगे। अब ये हम फ्रंट का जो आर्मोल तीरा है ये कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही इजी है दोस्तों कटिंग करना। दोस्तों बैक की साइड दूसरी साइड भी निशान उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए स्केल इसी तरह से रखना है, फिर घुमाकर ऊपर की साइड इस तरह से रखना है। अब इसको हटा देंगे। अभी कपड़े पे कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको बताना हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बैक का पल्ला पूरा प्लेन है, और फ्रंट के पल्ले में सेंटर में कढ़ाई है दोस्तों, तो हम इसका डबल फोल्ड करेंगे फ्रंट का पल्ला इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से सेंटर मिला लेंगे बराबर से।
अब दोस्तों सबसे पहले नीचे की साइड एक निशान लगाकर सीधा इसको पहले सीधा कर लेंगे, कटिंग जो कम ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद 2.5 इंच का तुरपाई के लिए फोल्ड के लिए निशान लगाना है एक, और उसके बाद लेंथ का निशान लगाना है। जो हमें लेंथ चाहिए 44। इसमें दोस्तों कपड़ा कम है तो हम नीचे तुरपाई के लिए अलग से फोल्ड कर लेंगे, तो आगे 1/2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, तुरपाई के लिए अलग से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हम 44 इंच हमारी लंबाई है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 44.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। और फ्रंट का पल्ला जो लाइनिंग का हमने कटिंग किया है उसको इस तरह से इस निशान पे मिलाकर रखेंगे। ये देखिए ये इस तरह से रखना है दोस्तों, और इसके बराबर बराबर कटिंग कर देना है इसको। अभी इसको हटा देना है। ये जो पल्ला हमने कटिंग करा है इसको पहले कटिंग करके सीधा निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये दोस्तों इसमें से स्लीव्स भी निकालनी है और बैक का पल्ला भी निकालना है, तो हमें किस तरह से निकालना होगा। अगर हम इसको बीच से फोल्ड करके रखेंगे तो स्लीव्स नहीं निकलेगी, तो इसीलिए पहले हमें क्या चेक करना है दोस्तों, जैसे कि हमारा नीचे का घेरा चेक करना है कितना है। ये हमारा दोस्तों 13 इंच आ रहा है, 13 का आधा डबल 26 होता है, तो ये 13 × 26 इंच का है टोटल। अब इसको हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले निशान लगा लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 13 था वो, तो हम 13.5 पर यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 13.5 पर निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से इसी निशान पर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर रखना है। और ये कपड़ा हमारा जो बच गया है, ये स्लीव्स इसमें से आराम से निकल सकती है। ये देखिए बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स निकाल लेंगे और यहाँ से बैक का पल्ला निकल जाएगा। इसको प्रेस से सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से एक सीधा निशान लगाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए, और सबसे पहले ऊपर से एक निशान लगाएंगे और लंबाई चेक कर लेंगे कितनी आ रही है इसकी। ये देखिए हमारी 44 पूरी आ रही है और ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसके तुरपाई के लिए फोल्ड कर निशान लगाएंगे एक। ये देखिए, और यहाँ ऊपर से बैक का पल्ला रखेंगे जो हमने अस्तर कटिंग किया था, इस तरह से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको बराबर से कटिंग कर देंगे पूरा नीचे तक। एक कट लगा लेंगे यहाँ पर तुरपाई के लिए। ये देखिए हमारी बैग भी कट चुकी है, इसको भी हटा देंगे। अब दोस्तों इस बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स निकालेंगे। ये प्रेस से कपड़ा साफ करने के बाद कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से
डबल एक बार और फोल्ड करेंगे, दो स्लीव्स हैं इसमें से, दो स्लीव्स निकलेंगी और जो हमारा आर्मोल है वो 8 इंच 16 इंच है, तो 16 का 8 होता है, तो 8 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा कर देख लेंगे आ रहा है कि नहीं। एक निशान यहाँ नीचे लगाएंगे, जो आर्मोल हमारा है वो 3.5 इंच पे डाउन होगा, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 17 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे 17.5 पे, और एक निशान इस तरह से सीधा लगाएंगे और 1/2 इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे पट्टी वगैरह लगाने के लिए, और यहाँ पे भी एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा 8 इंच पे बाजू चढ़ेगी, तो 8 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है। बॉटम इसकी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक स्केल की मदद से सीधा निशान लगाएंगे, और मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 1.5-2 इंच मार्जिन जितना भी आपको रखना है। ये देखिए हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है और इसकी आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे निशान पे। कट लगा लेंगे सेंटर में और एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। अब दोस्तों ये कपड़ा यहाँ पे इतना कम है, तो जो हमारा साइड से और कपड़ा बचा हुआ था उसका हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे। बड़ी स्लीव्स में अधिकतर जोड़ आता ही है, कपड़ा ज़्यादा होता है फिर नहीं आता है। इसमें स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा थी इसलिए जोड़ आया। इस कपड़े को इस तरह से रख कर और यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच का इधर से मार्जिन लेकर इसको रखना है और इसके बराबर कटिंग कर देना है दोस्तों यहाँ से। इसको भी हटा देना है। कट लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। आर्मोल की गुलाई जो होती है वो हम दे देंगे, ये देखिए इस तरह से, जिस साइड जोड़ नहीं है उस साइड आर्मोल की गुलाई देनी है क्योंकि वो हिस्सा फ्रंट में आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।